अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वाचिंग द चैनल डॉक्टर मुबीन मोकस और मैं हूँ आपको डॉक्टर मुबीन अंसारी। आज हमारे साथ एक दफ़ा फिर हमारे बड़े फेवरेट और डेमो हैं प्रोस्टो में, सर डॉक्टर जवाद तरीन आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुना कैसे हो? ठीक हो? थैंक यू सो मच, आपने फिर से मौका दिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, आज हमने इनको ज़रा हरी हरी में कहते हैं ना कि जल्दी जल्दी में किसी को इनवाइट करना, तो सर को आज जल्दी जल्दी में इनवाइट किया। वो जल्दी जल्दी में इसलिए इनवाइट किया क्योंकि फर्स्ट ईयर का, आपको पता है फर्स्ट ईयर BDS नई क्लास होती है हर साल, तो फर्स्ट ईयर BDS होती भी काफ़ी परेशान है और फर्स्ट ईयर BDS की आजकल तो वैसे ही कोरोना की वजह से उनकी क्लासेस हुई नहीं है, तो क्लासेस के ना होने की वजह से ऊपर से दूसरा फैक्टर ये है कि ना क्लासेस हुई हैं और ना जो है ना इनकी अपग्रेडेशन का जो सीन है अभी तक चल रहा है, तो इसलिए इनका मतलब कोई पढ़ने का सीन नहीं बन रहा, कोई पढ़ाई नहीं हो रही, इनका कोई लेक्चर नहीं हुआ हुआ, मतलब बहुत कम लेक्चर हुए थे कोरोना से पहले, तो इतने डरे हुए हैं। मुझे इतनी रिक्वेस्ट आती हैं और इतना मुझे मैसेजेस आते हैं कि काइंडली फर्स्ट ईयर पे बना दें, फर्स्ट ईयर के कौन से सब्जेक्ट कैसे करने हैं, किस तरह से तैयारी करनी है, वो काइंडली हमें बता दें। तो मैं बड़ा परेशान था खुद भी और फिर मैंने सर से बात की कि सर ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा सर आपको जल्दी जल्दी में बुलाना पड़ेगा, तो आप सर ने कहा ओके। तो आज फिर फर्स्ट ईयर के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और आपको आज यहाँ से हम बता कर जाएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे करना है और पहले कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है, आपकी फुल तैयारी और प्रॉफ तक जो हमारे पास टाइम है उसको यूटिलाइज कैसे करना है, ये आज हम आपको बताएंगे। चलते हैं सर की तरफ। सर थैंक यू डॉक्टर मुबीन, टॉपिक आपका बहुत ही एक आज की रूटीन के मुताबिक है क्योंकि फर्स्ट ईयर BDS जो कि सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन है वो भी बच्चे आजकल बहुत टॉर्चर फेस कर रहे हैं क्योंकि उनका एग्जाम की डेट नहीं आ रही, और प्लस फर्स्ट ईयर BDS जो कि मेडिकल कॉलेज में एंटर हो चुकी वो एक दो महीने के बाद से घर बैठ गए। उससे पहले सबसे पहले तो यह है कि तमाम हेल्थ वर्कर्स को सल्यूट है। पिछले दिनों हम लोगों ने एक बहुत बड़ा नाम मुल्तान का, मेरा फैमिली मेम्बर और निश्चर VC साहब, वो हम सब ने खोए हैं, परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और तमाम लोग जो वफात पा चुके हैं और शहादत का रुतबा आकर ले चुके हैं अल्लाह पाक से, वो तमाम लोगों को अल्लाह ताला कहते हैं ना कि आला मकाम अता करे, उनके घर वालों को सब्र अता करे, और हम उनकी काविशों को उनकी मेहनत को हम कभी नहीं भूल सकते। ये बात सच है कि निश्चर हो जब मेडिकल की लाइफ हो उसमें भी लॉस है प्योर जैम, जो टीचर है, जो फ्रेंड है, जो गुरु है, फादरली फिगर करता है वो। आपको तो मैं खाली शायद तो उन्होंने पढ़ाया होगा, बट मेरे क्योंकि फोपड़ भी लगते हैं, सो बट इट्स अ ह्यूज लॉस। सबसे पहले तमाम हेल्थ वर्कर्स को सल्यूट हमारी तरफ से। उसके बाद हम आते हैं यहाँ टॉपिक के ऊपर, फर्स्ट ईयर BDS। फर्स्ट ईयर BDS में सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि सप्ली आती क्यों, पहले तो हम इस पर चलते हैं। सप्ली आने का सबसे पहला फैक्टर शॉर्ट बुक्स, दूसरा फैक्टर बच्चे की अपनी सोच, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मैं डॉक्टर बन गई हूँ, सॉरी टू से आई एम बिट हार्श, बट ये रियलिटी है। शॉर्ट बुक्स या फिर तीसरी पॉइंट एक और है, इम्प्रॉपर गाइडेंस। टीचर्स नहीं, खुद भी अस, हम खुद भी हो सकते हैं। पढ़ते कैसे? पढ़ने का सबसे बड़ा तरीका ये आता है कि अपना, हम लोग एनाटमी है, एनाटमी की सबसे पहली बात होती है एनाटमी में क्या चीज़ है, सीरियस हो जाए, एनाटमी में क्या चीज़ आती है। एनाटमी में हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है, वो आता है कि सारा साल हम लोगों ने क्या पढ़ा होता है, कॉलेज ने क्या फोकस किया होता है, वो है हेड एंड नेक। हेड एंड नेक टोटल होती है 42 मार्क्स की। हम सारा साल 42 मार्क्स को हम फेवर करते हैं, बट एक्चुअली रिमेनिंग हमारे पास 48 मार्क्स का डेफिशिएंट होता है। हम 48 मार्क्स के पीछे नहीं जाते, 42 मार्क्स के पीछे जाते हैं। 42 मार्क्स पे अगर आप रियलिटी चेक करें तो कोई बच्चा 30 ले लेगा, कोई 35 ले लेगा, सीधा सप्ली। हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। एनाटमी में जनरल एनाटमी भी है, एम्ब्रियोलॉजी भी है, हमारे पास हिस्टोलॉजी भी है, ब्रेन भी है। ब्रेन का सबसे बड़ा फैक्टर एक अच्छा है कि उसमें मेजॉरिटी UQs आते हैं, डायग्राम्स आती हैं, 10 नंबर आप सिक्योर कर सकते हो ईजिली। 42 प्लस 10 52, 7 to 8 मार्क्स की आपकी बनती है जनरल एनाटमी।
सेवन मार्क्स भी अगर लगाएं तो जनरल एनाटॉमी के, तो वो जाके आपके 52 के अंदर सेवन करें, ऑलमोस्ट 59 रिमेनिंग फिर भी डेफिशिएंट किस चीज़ का है, एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी. फोकस नहीं करते हम लोग, हम कहते हैं देखा जाएगा एंड में, जब सम निकलता है बच्चे की शक्ति आ जाती है. अच्छा सर, इनको सही बताया भी तो नहीं जाता, इसका क्या है कि सलूशन? मैं वो इस चीज़ पे नहीं करता कि क्यों नहीं बताया जाता, बताया जाता तो किस एंगल में बताया जाता है, क्योंकि वो अब हम लोगों का अपना ही एक देखें मोड ऑफ इंटरेस्ट होता है, हर बंदे का अपना मोड ऑफ इंटरेस्ट है. ऑल्दो मेरा जिस प्लेटफॉर्म से ताल्लुक है, मैं लास्ट वीडियो में बताता, हमारा मकसद ही एक ही है कि वी हैव टू सर्व दिस कम्युनिटी, वी हैव टू सर्व द कम्युनिटी, नथिंग एल्स. हालांकि हम लोग स्टेप अप के ऑथर्स हैं, वी विल नेवर रिकमेंड स्टेप अप जब सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक ना पढ़ें. तीसरी, ये जो फैक्टर है ना, सबसे पहले एनाटॉमी का स्टार्ट करें जीरो से. स्टार्ट हम सारे कर लेते हैं 42 मार्क्स, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है. फिर और अगर हम और सब्जेक्ट से बारी बारी चलते हैं, फर्स्ट ईयर में एक प्यारी सी बात यह, टॉस फॉलो होता है, 100% नहीं होता बट होता है. तो इसलिए आप अपना सबसे पहला, तो क्योंकि अब भी फर्स्ट ईयर बीडीएस है, जो कि पहले मैं सप्लीमेंट्री वालों का बात करूंगा, सप्लीमेंट्री वालों के लिए है कि आप 3 से 4 घंटे भी अगर अपनी बुक्स को दे दो ना अभी भी, तो आपको एक बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी या बहुत बड़े स्ट्रेस से आप बाहर निकल सकते हो. यही फैक्टर लगाओ, रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन. और हाँ, यूक्यू सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका, टॉपिक्स पढ़ लो, नहीं पढ़ना यूक्यूज पढ़ लो, क्वेश्चंस पढ़ लो, आंसर्स नहीं पढ़ो, क्वेश्चंस पढ़ के टॉपिक पढ़ो, आपको आइडिया होता है कि ये आपका एग्जामिनर आज तक क्या पूछता आ रहा है. बिल्कुल. हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लिया एक घंटा, पता चला एक घंटे के बाद सवाल आया, सवाल अटैम्प्ट नहीं हुआ, फिर दोबारा वही टॉपिक घंटा पढ़ लिया, फिर सवाल अटैम्प्ट नहीं हुआ, फिर घंटा, पूरे दिन में एक ही टॉपिक रहता है. दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट. ये थोड़ा सा है, ये हो गया एनाटॉमी. और आप बताएं. अच्छा, मैं दूसरा आपको ना एक बात बताते चलूँ कि मैंने भी फर्स्ट ईयर में भाई से जो है ना, जवाब भाई से पूछा था कि कैसे पढ़नी है, तो उन्होंने बिल्कुल मुझे यही चीज़ बताई थी जो आपको ऑन द कैमरा बता रहे हैं. तो मैं भी परेशान था कि सब सीनियर ये कह रहे होते थे कि जी एनाटॉमी ये है, एनाटॉमी वो है, एनाटॉमी बहुत मुश्किल है, सप्ली आ जाती है एनाटॉमी में. कुछ लोग तो इस तरह भी कहते हैं कि जी सप्ली आ जाती है, सप्ली तो आएगी पक्की, कुछ लोगों ने ऐसे भी कहा, मतलब कुछ सीनियर्स ने. तो लेकिन ये है कि अगर आप स्ट्रेटजी, जैसे जवाब भाई ने बताया, जैसे आप 42 और 48 मार्क्स की स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे, तो आप इस तरह की डिवीजन को फॉलो करके मेरा नहीं ख्याल कि आपकी सप्ली कहीं ना कहीं से आनी चाहिए. अब इतना तो मतलब कि कैलिबर डाउन नहीं है ना कि किसी मेडिकल स्टूडेंट का कि उसकी सप्ली ही आ जाए इन बातों. लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें मेडिकल लाइफ में घुसाया ना, किसका मतलब अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक एम टारगेट बना लिया. कोई बंदा खुदा ना खासा टर्मिनेट हो जाता है, वो अपनी वजह से भी होता है, अल्लाह की रजा ठीक है शामिल होती है, लेकिन अपनी रजा भी होती है. अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि हम कोशिश करें, कोशिश के बगैर कुछ नहीं पॉसिबिलिटी. सो इसलिए स्टेप बाय स्टेप चले, सीढ़ी है ना, सीढ़ी में सबसे पहले सीढ़ी का स्टेप एनाटॉमी का रख लें, जनरल एनाटॉमी 6-7 नंबर, फिर स्टेप रखें हिस्टोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी, जनरल एम्ब्रियोलॉजी, फिर जनरल स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी, ऐसे ऐसे स्टेप चढ़ो 42 मार्क्स के ऊपर. हम सारे क्या चढ़ेंगे, सीधा 42, ना ऊपर के ना नीचे के, सीधा छलांग सप्ली. प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, आप लोगों को शायद कहें कि जी के हवा है, बट एक्चुअली अगर आप ये फॉलो करो तो आप लोग दुआएं दोगे हम सबको. बात यही. अच्छा सर, मुझे ये बताएं ना कि ये तो हो गया एनाटॉमी की बात होगी. अच्छा फिजियो, मुझे कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि मिनी गाइटन पढ़ें, दूसरी गाइटन पढ़ें, फिर बायोकेम और फिर ओरल बायो, अब इन तीनों में से कैसे डिवीजन करें? फिजियोलॉजी इज लव, जस्ट गो फॉर गाइटन, नॉट मिनी गाइटन. अगर जेन्युइन बात करूँ तो बहुत सारे ग्राफ्स या बहुत सारे डायग्राम मिनी गाइटन में मिस हो चुके हैं. थ्योरेटिकल उसका मिस है, क्योंकि ऑब्वियस बात है इट्स अ पॉकेट, इट्स अ पॉकेट बुक. सो जैसे आप वो पढ़ते हो क्या कहते हैं स्टोरी बुक, इट मिनी गाइटन इज जस्ट अ स्टोरी बुक. मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दूँ, ब्लड का चैप्टर है, 2 सवाल आते हैं, एक सवाल रिपीट होता है, क्या वो एक्सट्रेंजिंग इंट्रेंजिंग पाथवे क्यों थ्योरेटिकल पढ़ते हो? अगर नहीं समझ आती उसका ग्राफ याद कर लो, उसका ग्राफ बना लो, उस ग्राफ के अंदर वैल्यू आ जाते हैं कि इस स्टेप के ऊपर कौन सा हेपरिन आ रहा है, इस स्टेप के ऊपर आपका कौन सा CDA4 आ रहा है, उस स्टेप के ऊपर कौन सा फैक्टर 8 आ रहा है, कहाँ आ रहा है, आपको उस पर
थ्योरेटिकल पे नहीं जाओ। हम क्या करते हैं, थ्योरेटिकल ढूंढते हैं, उसका भी शॉर्टकट ढूंढते हैं, वो हमारी माशाल्लाह फिरदौस है। ठीक हो गया। एरिथ्रोपोइटिन पाथवे है, वो भी सिर्फ पाथवे याद कर लो, नहीं थ्योरेटिकल पढ़ लेंगे। जिसको थ्योरेटिकल पढ़ने का शौक है वो पढ़े। बहुत दफ़ा मैंने पढ़ी है, मैं आज भी पढ़ाता हूँ ना, तो मैं आज भी उसको मेन टेक्स्ट बुक के ऊपर भी फॉलो करवाता हूँ। सेम इसी तरह अगर देखें, पहला सवाल सेल से कौन कौन से रिपीट होते हैं, सवाल पेनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, उसके बाद लाइसोसोम्स, गॉल्जी ऑपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ये रिपीटेटिव सवाल है। दूसरा चैप्टर नर्व एंड मसल, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, उसके बाद मखला वॉक एंड लॉन्ग थ्योरी, स्केल्टर मसल, रिपीटेटिव सवाल है। दो सवाल आ गए, तीन पहला और तीन, दो तीन, उसके बाद हम जाते हैं किसके ऊपर, हार्ट के ऊपर। हार्ट का अगर आप वो एक लेफ्ट वेंट्रिकुलर ग्राफ प्रेशर की डायग्राम बनी हुई है, वो अगर आप लिटरली ड्रॉ कर लो ना, उसमें आपको ये पता चलता है कि हार्ट ओपन कब हो रहा है, हार्ट क्लोज कब हो रहा है, ईसीजी आपको उस टाइम क्या आ रही है, एक पूरा एक सम है, पूरे चैप्टर की समरी है उस ग्राफ के अंदर, क्या है उस चैप्टर के अंदर। हाँ थोड़ा बहुत ईजी मेरे लिए, क्योंकि मैं पढ़ के बैठ गया तो आप कहोगे कि यार बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गए, बट एक प्रैक्टिकल बात करो। हाँ सर्कुलेशन मुश्किल है, मैं बोर होता था उससे। अच्छा सर किडनी के बारे में क्या ख्याल? किडनी टिपिकल डायग्राम्स और यूक्यूज, जीएमआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, हाँ जीएमआर वगैरह, उसकी डायग्राम बना लो, वो लूपिंग डायग्राम, फिर उसके डायग्राम किस लेवल पे आके कौन सी वो अपना वाटर इसका हो रहा, आउट हो रहा है, किस लेवल पे आके मेडिसिन आते हैं, किस है लेवल पे आके, वो सारी की डायग्रामेटिक याद कर लो, ईजी हो जाएगा। सीएनएस के तीन सवाल है, शायद तीन या चार सवाल सीनस के आते हैं। कौन कौन से हैं? एक ऑडिटरी मीटस पे एक दफ़ा सवाल आया हुआ, एक वो मैं खाला एंटीरो लेटर पोस्टीरो लेटर डायग्राम्स आई हुई हैं, ट्रैक्स, मेजॉरिटी ट्रैक्स हम नहीं पढ़ते, स्लो पाथवे, फास्ट पाथवे पेन नहीं पढ़ पाते। सो देखा जाए तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलो ना, यूक्यूज को मारो गोली अभी फिलहाल, अगर आप सवालों के उठाओ ना, तो इस चैप्टर से इतनी रेशो है, इतनी चैप्टर, उस रेशो को फॉलो करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी इंशाल्लाह। ये हमारा जैसे कि आपने कहा फिजियोलॉजी में एक ब्रीफ व्यू दिया है, इसके बाद डिटेल्ड भी अगर आपको चाहिए होगा तो आप डॉक्टर मुबीन से कहेंगे तो हम इसको मजीद डिटेल से ले आएंगे, स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट कि हम इसको वो भी कर लेंगे, क्या कहते हैं, डिटेल भी कर लेंगे। और सॉरी मैं क्लिनिक पे बैठा हूँ तो अगर पीछे कोई शोर वगैरह अगर आपको ज़्यादा मिल रहा है तो आई एम रियली सॉरी फॉर इन एडवांस। तो हाँ जी, तो और कौन सा हमारा आता है सर? ओरल बायो आ गई, ये नेक्स्ट। ओरल बायोलॉजी में आपके पास स्टूडेंट्स के क्या व्यूज आते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है? ओरल बायो में पहले तो एक स्टूडेंट में से ये पूछ रहा था कि जी ऑर्बन पढ़े या फिर 10 गेट्स पढ़े। ठीक है, वो उसको मैंने अपने लिहाज से गाइड कर दिया कि जी 10 गेट्स। तीसरी दफा शोर आ रहा है, ज़हन किया। आप क्या बात कर रहे थे? सॉरी जवाद भाई, मैं ये बात कर रहा हूं ओरल बायोलॉजी में बच्चों को कौन सी किताब। हां ओरल बायो में ना ऑर्बन और 10 गेट्स में ना उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी कुछ। और एक और मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, ओरल बायो का ना, ओरल बायो का बहुत से लोग कंफ्यूज हैं जवाब भाई के आसान आता है पेपर या कैसा आता है, मुश्किल आता है? ओरल बायोलॉजी विद योर रिस्पेक्ट बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। ओरल बायोलॉजी एक अच्छा सब्जेक्ट है, देखा जाए तो बहुत मज़ेदार। अगर हम बात करें कि स्टार्ट से ये डिटेल्ड व्यू मांगता है, और बहुत दफ़ा ऐसे हैं कि इनमें यूक्यूज का अटेम्प्ट भी बहुत आता है, लेकिन हम यूक्यूज पर डिपेंड क्यों करें, बुक क्यों नहीं पढ़ते? सही बात है। इसमें भी एक पोर्शन ओरल बायोलॉजी जिसको म्यूरल हिस्टोलॉजी कहते हैं, दूसरा पोर्शन कहते हैं टूथ मॉर्फोलॉजी। टूथ मॉर्फोलॉजी मुश्किल है, बच्चे समझते हैं मुश्किल है। हाँ मुश्किल है, जिस जो हम फैंटम टूथ दिखाते हैं या माउंटेन टूथ के दिखाते हैं या फिर वो जिप्सम के बने टूथ दिखाते हैं मोल्ड के तौर पर, उसके ऊपर अगर आप आइडेंटिफाई अच्छा कर लो ना कि दिस इज ट्रांसवर्स रिज, दिस इज ओब्लीक रिज, दिस इज़ फलाना कस्ब से फलाना कस्ब, बहुत आसान है। हाँ मैं ग्रेजुएट होकर बैठा हुआ हूँ तो मेरे लिए आसान है, अगर बच्चा प्रॉपरली देखे कि आइडेंटिफाई करना है क्या चीज़ आती है, एक ही चीज़ डिफाइन करता है, इसका डिफरेंस याद करो ओरल बायोलॉजी, ओरल मॉर्फोलॉजी के अंदर अपर सिक्स लोअर सिक्स का डिफरेंस याद करें, क्या है जी अपर चार कस्ब हैं, लोअर पाँच कस्ब हैं, अपर की तीन रूट्स हैं, लोअर की दो रूट्स हैं, अपर में पाँचवा कस्ब नहीं है, अपर में पांचवा नीचे में पांचवा कस्प है उसको कहते हैं डिस्टल कस्प,
अपर पे माइनर कस्प ऑफ कैराबलाय है, नीचे में वो कस्प ऑफ कैराबलाय नहीं है। अगर आप ऊपर याद करो तो ऊपर वाले में सिक्स वाले में अपर सिक्स के अंदर ओब्लीक रिज आती है, नीचे ओब्लीक रिज नहीं आती, डिफरेंस खुद बना लो। अच्छा, लास्ट एनुअल के पेपर में मैंने पहली पहली वीडियो में एक बात बोली थी, UHS आपसे वही सवाल पूछ रहा है आज तक, व्हाट इज नंबरिंग सिस्टम, नंबरिंग सिस्टम राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, मतलब क्या है, आपका लेफ्ट आपका लेफ्ट, मेरा राइट मेरा राइट आपका लेफ्ट। तो इस पोजीशन के ऊपर दांतों को आता है FDI, क्वाड्रेंट सिस्टम है 1-1, 1-2, 2-1, 3-1, 4-1, 5-5 इस तरह करके जो आता है। और पामर में बात करें तो वो क्वाड्रेंट बेसिस पे डिवाइड हो जाता है। सिर्फ जो आइडिया है ना, आपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करनी है, यू मस्ट नो व्हाट इज इनेमल, यू मस्ट नो व्हाट इज डेंटिन, यू मस्ट नो व्हाट इज पल्प। अगर आप सारी चीज़ों का अगर आप कंबाइंड करते हो तो इस एक मजमुआ बनता है ओरल बायोलॉजी का। आपने ओरल बायोलॉजी को अगर स्ट्रॉन्ग कर लिया तो ना आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में DM में प्रॉब्लम होगी, ना इंशाल्लाह CD में प्रॉब्लम होगी, ना आपको पेरियो में प्रॉब्लम होगी, ना आपको फाइनल किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बच्चा सही समझता है। और इट्स ऑल्सो स्टोरी बुक। हाँ, आइडेंटिफाई करना है आपने अपनी प्रॉब्लम्स को। पहला प्रॉब्लम होता है कि मैं ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, कंसल्ट योर सीनियर और उससे गाइडलाइन ले लो। गाइडलाइन लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और हाँ, डेंडोजिस MCQs बहुत आते हैं ओरल बायोलॉजी में, डेंडोजिस के MCQs आते हैं। बाकी मैं हम आपको डेंटिस्ट्री में अभी फर्स्ट ईयर में और कोई रिकमेंड मैं नहीं करता मैंने, क्योंकि नहीं पढ़ी। मॉडल पेपर का बहुत यूज है, आइदर SCQs आइदर यू और MCQs। ये था हमारा एक ब्रीफ व्यू, एनामलीज प्रॉब्लम्स डिफरेंस अपर इंसाइजेस लोअर इंसाइजेस अपने मुँह। हाँ, एक और चीज़ है, दांतों को फील करना है या एनाटॉमी पढ़नी है, अपने ऊपर फील करके पढ़ो। जी मेरा ये इस वक्त ये टीरियन का रीजन था, अगर मैं यहाँ पे इंजरी करूँगा और यहाँ से मेरी ये नीचे से मेनिंजियल आर्टरी जा रही है तो यहाँ पे वो पूरा एक आपके पास शेप आती है। ये मेरी ऑक्सीपिटल बोन है, ये मेरी फ्रंटल है, साइड वाली टेम्पोरल पैराइटल जो भी बनती है आपकी, आप उसको करो। फिर वो सेम इसी तरह आपकी ओरल बायोलॉजी है। सो ये था फिलहाल। तो सर मेरा वो क्वेश्चन ये था कि आपसे कि जैसे अब इनके ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं हो रहे और मतलब कि टीचर्स जिनसे जिनका जितना हो सक रहा है वो तो कर रहे हैं, तो ऑनलाइन लेक्चर्स कुछ हो भी रहे हैं, कुछ नहीं भी हो रहे, वैसे क्लासेस नहीं हो रही जैसे आम रूटीन में होती थी, तो क्या इनको ये सोच इनकी ठीक है कि हमारा बहुत नुकसान हो रहा है पढ़ाई, क्योंकि क्योंकि अब इन्होंने खुद से पढ़ना है। वैसे मेडिकल कॉलेज में जब आप आ जाते हैं डेंटल कॉलेज में तो मेरे ख्याल से जो है ना वो खुद से पढ़ने की आदत बंदे को वैसे पड़ जाती है, तो ये लेक्चर का कितना हद तक नुकसान हो सकता है सर ये डॉक्टर? काइंडली ये सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। डॉक्टर मुबीन, आप जिससे एग्री करेंगे कि हम लोगों का सबसे ज़्यादा फैक्टर होता है खुद पढ़ना। आपको एक पाथवे चाहिए होता है, पढ़ना हमने खुद होता है। बिल्कुल, बट थैंक्स टू दी टीचर्स जो कि डे एंड नाइट एफर्ट कर रहे हैं आजकल ऑनलाइन सेशंस के अंदर। यस इट्स ट्रू, और के इट्स नॉट 100% के बच्चा गेन कर लेता है, लेकिन समथिंग बेटर देन नथिंग। सो जिन कॉलेजेस में नहीं हो रहा मैं उसका कोई कमेंट पास नहीं करता, जिन कॉलेजेस में हो रहे हैं हेड्स ऑफ टीचर्स जो कि एफर्ट कर रहे हैं, सुबह 8 बजे आते हैं टीचर्स, क्योंकि मैं जिस इंस्टीट्यूट से हूँ हम लोग तो कर रहे हैं, हमारी एफर्ट है, हमारे टीचर्स हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारा चल रहा है काम अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम अपने स्टूडेंट्स को इवन के और इस सेशंस का भी एक मकसद ये है कि हम उधर नहीं जिन लोगों से हमारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक नहीं है उनको भी फायदा दे सकें। सही बात है, ये बड़ी अच्छी सर ने जो है ना ये बात की। अच्छा दूसरा सर, एनाटॉमी फिजियो बायोकेम और बायोकेम तो हमारा रह गया। बायोकेम का सबसे बड़ा है मेजर फॉल्ट पता क्या आता है, वो ये आता है कि 50 नंबर का पेपर है 100 नंबर की तैयारी करनी है, क्योंकि सिलेबस इतना पेपर इतना। बात यह है कि उसका भी एक ट्रेंड सेट है, विटामिन से एक सवाल मस्ट है, कार्बोहाइड्रेट से एक सवाल मस्ट है, फोकस करें उसके ऊपर। हाँ फिर वही दोबारा से बात, फाइक अगर पढ़नी है तो मेटाबॉलिज्म पढ़ लो, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ो।
और सत्यनारायण एक अच्छी बुक है, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपका इंटरेस्ट है, ओ लेवल्स ए लेवल्स के बच्चे आया हुआ है, सो वो अपना हार्पर पढ़ सकता है, लिपिन पढ़ सकता है, चैटर्जी भी है वो पढ़ सकता है, डिफरेंट बुक्स हैं। वैसे लिपिन से विटामिन्स और एंजाइम्स क्या रिलेशन? लिपिन्स विटामिन्स ओनली लिपिन, न्यूट्रिशन का चैप्टर ओनली लिपिन्स, और कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपने तैयार करने हैं सत्य और फाइट का कॉम्बिनेशन कर लो, ठीक है। मेटाबॉलिज्म की बात कर रहा हूँ, और तो काफ़ी मेजर पोर्शन निकल आते हैं उसमें भी, अगर आप आइडेंटिफाई करो ना कि इलेक्ट्रोफोरेसिस और क्रोमाटोग्राफी और एलाइजा और इन चीज़ों का स्पेसिफिक सवाल आता है, कार्बोहाइड्रेट्स का कौन कौन से, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, सिटिक साइकिल, ये सारे जो साइकिल्स हैं वो तो रिपीटेटेड सवाल्स हैं, एचएमपी शंट है। मसला ये है, हाँ एक पॉइंट मैं थोड़ा बता दूँ, हमारी जो अपडेटेड बुक है उसमें शायद आ रहा है 0.5 का एटीपी का डिफरेंस भी आता है, पुरानी बुक अगर कोई बता रही है कि 2.5 NADH है शायद, NADP सॉरी NADP का है, कोई बुक कहती है 2.5 है, ATP उसका प्रोड्यूस होता है, कोई कहती है 3 बुक, अब जो बुक बता रही है वो 3 बता रही है, सो आपने हमेशा MCQs में 3 मार्क करना है, ठीक है। कभी कभार UHS से MCQs हमारे मॉडल पेपर या UHS एक क्लास टेस्ट कोई भी, क्योंकि UHS इसलिए कहते हैं हमारा सब कुछ वही है, सो इसलिए तो ये फैक्टर है, ये था हमारा बायोकेमिस्ट्री का। बायोकेमिस्ट्री रूखा सब्जेक्ट है, हो जाता है, सप्ली की रेशियो जो बढ़ रही है वो इस टाइम जो बढ़ रही है वो एनाटॉमी में बढ़ रही है, ओरल बायोलॉजी में बढ़ रही है, ये दो सब्जेक्ट ये ज़्यादा बढ़ रही है, की उसका ये है कि मॉडल पेपर सबसे पहले, डेंडोजिस के एमसीक्यू सबसे पहले, साथ थ्योरेटिकल वैल्यू थ्योरेटिकल, ये 3 चीज़ें अगर अच्छे से कर लोगे तो नहीं कहीं जाते इंशाल्लाह, नहीं जाते आप लोग। ये हमारा बेसिकली आज फर्स्ट ईयर का एक ब्रीफ व्यू देने का मकसद ये था कि आप लोग सबसे पहले अपनी सोच बदलो, हमारा लीडर भी यही कहता है सोच बदलो, सोच ये बदलो कि से मुराद नहीं है कि जी छोड़ दो, कि हाँ सिट विद द पॉजिटिव पीपल टू गेट द पॉजिटिव वाइब, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मेरा ख्याल है लास्ट टाइम कट हो गया क्योंकि अच्छा दूसरा है कि अपना अवॉइड करो मैक्सिमम लोगों को, आप लोग सारे कि मैंने ऐसे पढ़ा था तो आप ऐसे करेंगे ऐसा हो जाएगा, नहीं, जो आपको बेस्ट लगता है वो बढ़ो। डॉक्टर मुबीन आपको एक गाइडलाइन दे रहे हैं, मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ, आप दोनों की बात समझ आती है तो करो, नहीं समझ आती हमें भी साइड पे करा दो, आपकी सब टू यू। यस, फर्स्ट ईयर BDS सप्लीमेंट्री एग्जाम्स वालों के लिए 30 सेकेंड का एक मैसेज है छोटा सा, कि पैनिक से बाहर आ जाओ, नो डाउट के कहते हैं कि आप लोग बड़े स्ट्रेस में, हाँ मेरा दिल नहीं मानता, आई हैव बिन रिसीविंग द कॉल्स, अगर आप देखना चाहें मैसेजेस, और काफ़ी सारे ग्रुप्स के मैसेजेस हमें पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर BDS है, फर्स्ट ईयर सप्ली है, सब बंदों को ये फीडबैक जाता है कहीं ना कहीं से कि आज मैंने आपको कह दिया कि आपका पेपर नहीं होगा, बच्चे सारे उस रास्ते ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हैं। सिर्फ गुजारिश ये है पेपर्स जब हों स्टे मेंटली प्रिपेयर्ड आज से, हाँ, और पेपर्स ये पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे लिए भी प्रैक्टिकल एक्सेप्टेबल नहीं है, और बहुत सारे टीचर्स को भी नहीं होनी शायद कि पहले सेकेंड ईयर का पेपर दे दें फिर बच्चा फर्स्ट ईयर का पेपर दे दे, इट्स अ मेडिकल लाइफ नॉट अ FSC का पेपर्स, सो इन बातों को छोड़ दो। हमारे जो VC साहब हैं वो माशाल्लाह बहुत प्रोफेशनल आदमी है, सर ने लास्ट टाइम भी एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मैं किसी बच्चों को अगस्त में पेपर ले रहा हूँ 2 महीने बाद उनका एनुअल आ जाता है तो आई विल गिव देम अ स्पेयर टाइम, मैं इतना जालिम नहीं हूँ। सो जब एक लीडर हमारा है, एक हमारे UHS हैं, हमारे ही सरबराह कह रहे हैं, तो हम लोग क्यों रास्ते भी चल रहे हैं जो हमें दूसरे मिसगाइड कर रहे हैं। सही बात है, ये था खुदा का वास्ता है, पढ़ें हम लोग सारे BDS पॉइंट के एडमिन्स जितने भी हैं, मैं हूँ, आमना बहन है, अंश भाई हैं, इवन कि ये हमारे मुबीन भाई हैं, और हम सारे एक दूसरे के ग्रुप्स में, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में तकरीबन सब में हूँ, मैं हाजिर, लेकिन बेस्ट ये है प्लीज़ इधर उधर की बातों पे ना जाएं, रास्ता पकड़ें, रास्ता पकड़ें, रास्ता पकड़ें, और यकीन करें कि आज की जो वीडियो लंबी हमने, ये सेशन इतना लंबा गया है सिर्फ और सिर्फ कि आप कंप्लीटली हम ना बस आपको पता लग जाए, गाइड हो जाएं आप अच्छे तरीके से, इस वीडियो के देखने के बाद आपको ये ना लगे कि अब हमें मज़ीद जो है ना
कहते हैं कि बहुत कम गाइडेंस हमें मिली है, हमने पूरी कोशिश की है, जितनी लंबी वीडियो आपके लिए ही बनाई है हमने जानबूझ के। डॉक्टर मोबीन, सॉरी बात काट रहा हूँ, कुछ बातों को अगर अभी भी व्यू क्लियर ना हो, कोई पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर ना हो, जिसमें एस्ट्रोलॉजी है, जिसमें एनाटॉमी है, उसमें बेसिक्स पार्ट सब डिविजन है, कॉल इन, कॉन्टैक्ट है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं पूछें, डायग्रामेटिक चाहोगे डायग्रामेटिक आएंगे नेक्स्ट टाइम, ऑडियो ऑडियो वीडियोग्राफिकली कहोगे तब उसके साथ आएंगे, आएंगे ज़रूर, छोड़ते हम भी नहीं आप लोगों को, यू पीपल विल नेवर बी लेफ्ट अलोन, दिस इज़ अ प्रॉमिस फ्रॉम अस, फ्रॉम BDS पॉइंट, एडमिन्स ऑफ BDS पॉइंट, एंड जो जो उससे वाबस्ता है, सीनियर्स हैं या जूनियर्स हैं, हम लोग आप दूसरे, हम लोग एक दूसरे को, हम सब एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, और हम सीनियर हम आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये हमारा अकेला। और सो थैंक यू सो मच डॉक्टर मोबीन, आज का सेशन हमने बहुत लंबा रिकॉर्ड किया है, और होप्स हो कि हम लोग की कोई बात आपको बुरी नहीं लगी होगी, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो, जिनके एग्जाम्स होने हैं वो जल्दी एग्जाम्स हो, और आज मैंने वाकई बहुत लंबा आपके लिए बोला है, कहीं जगह मैं बोर भी कर गया हूँगा तो उसके लिए भी अपोलोजाइज, सो नाउ इट्स टाइम फॉर डॉक्टर मोबीन टू से व्हाटएवर ही वांट्स टू। और दूसरा ये है कि मैं सर की जो लास्ट इनकी वीडियो थी ना, लास्ट जो इंटरव्यू था इनका, उसमें इन्होंने ओरल सर्जरी के हवाले से ना बताया था थोड़ा सा, तो उसमें मोटिवेशन काफ़ी थी, तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, वो जाके वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है, और प्लस MCQs के जो वीडियोज हमारी पहले बनी हुई है उनके भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे, ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जरूर, और कैमरे की तरफ हाथ देख के कह दें कि डॉक्टर मोबीन वोकल्स को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, जो जो सुन रहे हैं हमें मोटिवेशन होती है, मुझे और सर को इजाज़त नेक्स्ट टाइम के लिए, अल्लाह हाफिज़।